हमारे देश के प्रदूषण ही हमारी बड़ी समस्या है, और जो ऑटोमोबाइल के कारण जो पोल्यूशन होता है उसके हमारे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। दिल्ली की स्थिति आप जानते हो, ये स्थिति देश में हर गांव में आ सकती है, और इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम लोग BS6 को 1 अप्रैल 2020 से मैंडेटरी करेंगे, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज़ और हमारी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने मिलकर ये निर्णय किया। जब ये निर्णय किया तो बहुत सी ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी उसमें नाराज़ी भी थी, और उनको लगता था कि ये होगा नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फ्यूल भी उपलब्ध नहीं करा सकेगी। अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी फ्यूल उपलब्ध कराने के बारे में काफ़ी काम कर लिया है, यहाँ तक उन्होंने मुझे कहा है कि दिल्ली में हम फ्यूल भी दे सकते हैं। पर मर्सिडीज़ की विशेषता ये है कि उन्होंने BS6 का एमिशन नॉर्म्स को BS4 का फ्यूल भी यूज़ करके वो नॉर्म्स में सक्सेस किया है। इसके लिए उन्होंने जो रिसर्च किया है, जो उन्होंने इनोवेशन किया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए आज ARAI ने उनको सर्टिफिकेट भी दिया है। और ये जो BS6 के नॉर्म्स हैं, इसके लिए मैं आपके मार्फत देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपील करूँगा कि वो भी इसी प्रकार से जल्दी ये काम करें और देश को प्रदूषण से बचाएं। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट देश के लिए यह है कि हम 7 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। अब हमारे देश की इकोनॉमी में, हमको गांवों में, किसानों में अच्छा उनको रोज़गार देना है, उनको भी उपज देनी है, इसलिए हमने निर्णय किया है कि कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बाम्बू से सेकंड जनरेशन इथेनॉल बनाएंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को ये विषय दिया गया और मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई और जो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए रखी है। इसी प्रकार की फ्लेक्स बाइक भी आई है, मैं 2 बड़े कंपनियों की बाइक भी इसी महीने में 30 तारीख तक वो भी लॉन्च कर रहे हैं।